ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक समोसे वाला अपनी खाली टोकरी के साथ ट्रेन में चढ़ गया और मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। क्योंकि उस दिन भीड़ कम थी और मेरा स्टेशन भी अभी दूर था, तो मैंने उस समोसे वाले से बातचीत करनी शुरू की। मैंने कहा, लग रहा है सारे समोसे बेच आए हो। समोसे वाले ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भगवान की कृपा है, आज पूरे समोसे बिक गए हैं। तभी मैंने कहा, मुझे आप लोगों पर दया आती है, दिन भर यही काम करते हुए कितना थक जाते हो आप लोग। फिर समोसे वाले ने कहा, अब हम लोग भी क्या करें सर, रोज इन्हीं समोसे को बेचकर ही तो 1 रुपया प्रति समोसा कमीशन मिल पाता है। फिर मैंने कहा, ओह ये बात है, वैसे कितने समोसे बेच लेते हो दिन भर में लगभग। फिर समोसे वाले ने कहा, शनिवार इतवार को 4,000 से 5,000 समोसे बिक जाते हैं, वैसे औसतन 3,000 समोसे प्रतिदिन ही समझो। मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। यह आदमी 1 रुपया प्रति समोसा की दर से 3,000 समोसे बेचकर रोज 3,000 रुपए यानी महीने में 90,000 रुपए कमा रहा था। ओह माय गॉड, मैं और भी बारीकी से बात करने लगा। अब टाइम पास करने वाली बात नहीं रह गई थी। मैंने उससे कहा, तो ये समोसे तुम खुद नहीं बनाते? समोसे वाले ने फिर कहा, नहीं सर, वो हम लोग एक दूसरे समोसा बनाने वाले से लेकर आते हैं, वो हम लोगों को समोसा देता है, हम लोग उसे बेचकर पूरा पैसा वापस दे देते हैं, फिर वो 1 रुपया प्रति समोसा की दर से हम लोगों का हिसाब कर देता है। दोस्तों मेरे पास तो बोलने का एक शब्द भी नहीं बचा, पर समोसे वाले बोले जा रहा था, पर एक बात है साहब, हम लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों के मुंबई में रहने पर ही खर्च हो जाता है, उसके बाद जो बचता है सिर्फ उसी से दूसरा धंधा कर पाते हैं। मैंने कहा, दूसरा धंधा? अब ये कौन सा धंधा है? समोसे वाले ने फिर कहा, ये जमीन का धंधा है साहब, मैंने सन 2007 में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपया में, इसे मैंने कुछ महीने पहले 8 करोड़ रुपए में बेची है, उसके बाद मैंने अभी अभी उमराली में 4 करोड़ की नई जमीन खरीदी है। मैंने कहा, और बाकी बचे हुए पैसों का क्या किया? समोसे वाले ने फिर कहा, बाकी बचे हुए पैसों में से 90 लाख रुपए तो मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए अलग रख लिए, बचे हुए 90 लाख को मैंने बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, सोना और कैश बैंक बीमा पॉलिसी में लगा दिए हैं। मैंने कहा, कितने पढ़े हो तुम? समोसे वाले ने कहा, मैं तो सिर्फ 3री तक ही पढ़ा हूँ, 4थी में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं पढ़ और लिख सकता हूँ। खार स्टेशन आते ही वो समोसे वाला खड़ा हो गया। समोसे वाला, सर मेरा स्टेशन आ गया है, चलता हूँ, नमस्कार। मैंने कहा, नमस्कार, अपना ख्याल रखना। दोस्तों उस समय मेरी खोपड़ी में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। सबसे पहला ये कि क्या समोसे बनाने वाला GST देता है? इन्हीं ट्रेनों में उसके 10 समोसे बेचने वाले घूम रहे थे। दूसरा सवाल मेरा ये था, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो आधार कार्ड और पैन कार्ड को बैंक के खातों से जुड़वाता फिर रहा हूँ और अपनी तनख्वाह से TDS भी कटवा कर इनकम टैक्स भर रहा हूँ, फिर अपनी कार, मकान, बाइक के लिए लोन ले रहा हूँ, TV और एप्पल फोन को किस्तों में खरीद रहा हूँ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई इन समोसे बनाने वाले और बेचने वालों के सामने तो कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों असली भारत में आपका स्वागत है, और इसी तरह सोचते रहो।